हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जुर्म करके करोड़ों की संपत्ति बनाने वाला डॉन आज जेल में टीवी के लिए तड़प रहा है। कभी पूरे प्रदेश में तूती बोला करती थी, वो आज अकेले बंद की शिकायत कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम माफिया मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं जो इस वक्त बांदा जेल में बंद है। राजनीति में जब बदले लिए जाते हैं तो सतम कितने कितने परसते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण मुख्तार अंसारी। योगी सरकार ने पहले मुख्तार अंसारी की विरासत को नष्ट किया, उसकी इमारतों को ध्वस्त किया, उसके बंगले में मौजूद गाड़ियों की कुर्की की, और अब मुख्तार अंसारी खुद को इतना अकेला महसूस कर रहा है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मुख्तार अंसारी का अब जेल में दूसरी बार उसकी बैरक में टीवी लगाने की मांग की है। कभी मुख्तार अंसारी के इशारे पर यूपी की राजनीति इधर से उधर हो जाती थी, आज बेचारा लाचार है और बेबस मुख्तार अंसारी मामूली सी टीवी के लिए परेशान है। मुख्तार अंसारी को योगी की पुलिस ने ना तो वीआईपी ट्रीटमेंट दी है और ना ही उसे टीवी देखने का मौका मिल रहा है। जब से गुहार लगा रहा है कि साहेब एक टीवी ही लगवा दीजिए, ये तड़प समझी जा सकती है, अंदाजा लगाया जा सकता है ये वही मुख्तार अंसारी है जिस मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जाता था कि जहां सन का काफिला निकलता था सड़क से गाड़ियां गायब हो जाया करती थी। माफिया मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर पेशी पर जज से टीवी की मांग को दोहराया है। एम्बुलेंस मामले में हुई वर्चुअल पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने खिलाड़ी होने का हवाला दिया और यूरोप में चल रहे यूरो 2020 फुटबॉल चैंपियनशिप देखने के लिए बैरक में टेलीविजन लगवाने का अनुरोध किया है। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से कहा कि पूरे प्रदेश में कैदियों को टेलीविजन की सुविधाएं दिलाई गई, मेरी टीवी की सुविधा छीन ली गई, मैं खिलाड़ी आदमी हूं। यूरो 2020 फुटबॉल कब चल रहा है? इससे पहले भी मुख्तार अंसारी कई बार जेल में टीवी लगाने की मांग कर चुका है, लेकिन जेल प्रशासन बजट का हवाला देते हुए उसकी मांग को पहले ही ठुकरा चुका है, जिसके बाद मुख्तार ने कोर्ट से गुहार लगाई कि साहब मुझे टेलीविजन उपलब्ध करा दीजिए, जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। मुख्तार अंसारी को पता है उसके बैरक में टीवी नहीं लगेगी, क्योंकि यूपी में योगी राज है जहां अपराधियों के साथ अपराधियों जैसा ही व्यवहार होता है। कोई भी अपराधी वीआईपी नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।